मॉम ने डैड को बताया क्या? पता नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं बताया। आती हूँ डैड। मैं तुमने कुछ भी नहीं कहा। खा लो। मुझे भूख नहीं है डैड, मैं खाना नहीं चाहती। ठीक है, तो ऑफिस जाने से पहले खा लेना, ठीक है? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी डैड। तुम काम पर नहीं जाओगी? पर क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं रेस्ट करूंगी अगर आप परमिशन दे तो। ओ नहीं, तुम्हारे हाथों में जादू है। थैंक यू निहाद। शुक्रिया। चलो मैं निकलती हूँ। ठीक है जाओ, पर अपना ख्याल रखना, और मैंने जो कहा है उसे भूलना मत, समझी तुम? हाँ, डोंट वरी मॉम। और मैंने जो कहा है वो स्कूटर वापस करके आओ, मुझे वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है मॉम। और मैं ऑफिस आऊंगी क्योंकि मुझे मिस्टर जॉन से जरूरी बातें करनी है। किस लिए आने वाली है? क्या मतलब के क्यों आ रही हूँ? तुम्हारा उनका रिश्ता है तो उनकी इंटेंशन जानने के लिए मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आ रही हूँ। लेकिन मॉम। मैं नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। मुझे उनके इरादों का पता होना चाहिए, इसलिए बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आऊंगी। तुम जाओ अब। ठीक है। स्लिट वाली स्कर्ट पहन लेती है, पागल कर देगी मुझे ये। कहाँ जाऊँ मैं? हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हम ऑफिस जाने से पहले मिल सकते हैं? क्या हुआ, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों साउंड कर रही है? सब ठीक है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी है। कौन है? मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है, चलो मुझे एक जगह। अरे नहीं, अरे चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या बात है जान। मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया। तुमने डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा बोलो क्या है? मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है, उस दिन की बात से मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है, वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूं। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है, और जान आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा, अगर मैं तुम्हें टच ना कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है,
मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो? अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो, तब उन्हें क्या कहेंगे हम जान? हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे, तो तुम जब चाहो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था इस तरह से। मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना? नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ, कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं, नहीं मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले, आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, you're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान। हाँ। हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अच्छा, अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो तुम मुझे कंपनी दे रही हो, I'm glad। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ? हाँ एलियन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया, अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की, हम उन्हें क्या बताएंगे? I'm sorry, क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो?
मुझसे अब ये सब नहीं होगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जान जान सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरह। दो पसंद होगा, ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो आप सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। मिस डेरेन। जी जी, आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली? कहाँ वो तो बताइए, कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जी जी। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुना है वैसा बोलते? हाँ उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे जे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। मिस डेरेन चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आपने आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं of course, मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जान दिवित को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं, आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान, सुनो मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती। अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा, यू नो। हाँ आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं, मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। I'm so sorry जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सॉरी, क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को अब्सॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं, जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होते हैं। और जब से मैं घूम रहा हूं मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे।
मेरी नाई। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। I'm so sorry, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया, ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं क्या नहीं। कर रही हो तुम? I'm so sorry. नहीं नहीं, और मैं वाला ब्रेकअप क्यों करूंगी जय जी? जब से उसने सुना है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी आंखें हम पर ही हैं, उसकी पूरी नजर हो सकती है। ये लो और जो करना है करो, अपने साथ रखो इसे, रखो रखो। ओ, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, थैंक। कोई बात नहीं। पुलिस लैला आई नहीं क्या? उसने कहा कि वो बीमार है इसलिए आज नहीं आएगी। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसको वायरल हो गया है, इसीलिए उसने। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या? आप लैला के बारे में बात कर रहे थे ना, कुछ करना हो तो बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, रहने दो, मैं देख लूंगा। लगता है किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं, सबके सब मुझे घूर रहे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी, ये देखो ईविल की आंखें सिर्फ तुम पर है। सही कहा, हमें नजर बट्टू को अपने साथ लेकर घूमना। सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। मिस डेरेन, ये फाइनल डिजाइन है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, पिंक चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पिंक चाहिए, मुझे हर चीज पिंक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं हर जगह पिंक चाहती हूँ। पर ये पिंक ही तो है। नो, नहीं है, जाओ चेंज करके लाओ। तो अब ये किस कलर का चाहिए? ब्लैक। लेकिन इसके लेटर्स तो ब्लैक नहीं है, देखिए ना, ब्लैक कलर के हैं। वो ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए, फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो तुम, जाओ। एक बेहतरीन क्रिएटर आज उदास विधवा की तरह बन गई है, देखो देखो। लेकिन जे जी, ये आसान नहीं है, उन्होंने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, वो मिस्टर जॉन के साथ रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें ऐसा ही होता है, कईयों के दिल टूटते हैं। तुम हमेशा सनीम का ही सपोर्ट करते हो, हमेशा। जब देखो तब चपड़ 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 करती रहती हो, मुंह बंद करो और काम करो अपना। ठीक है, ओ मिस जेदारी है, गाइस खुद को जरा ठीक से करो, अपनी जगह पर जाओ, जाओ जाओ जाओ। आह, वेलकम 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 मिस जेदा, वेलकम मिस जेदा। थैंक यू मिस सनीम। सनीम। आह मिस जेदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। हेलो, वेलकम, प्लीज आ जाओ। जॉन, हेलो, कैसे हो? सनीम, सनीम क्या हुआ, तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो? नहीं जीजी, मैं चाहती थी बताना लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जॉन के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही घूमती है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा बिजी मत करो, मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया। मिस्टर जॉन, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं, कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन, आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं।
जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेड मोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है। ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वॉज सो नाइस टू वर्क विद यू जॉन। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। उस्मान, बाहर निकलकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर। अब घर ही जाओगी ना? मैं शॉप पर रुकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शॉप पे हूँ। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ऑल राइट, सी यू, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलो लाला, क्या कर रही हो? हाँ, मुझे लग रहा है मैं किसी सपने में हूँ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। हाँ वैसे छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व कर देंगे। तुम्हें पता है आज ना बहुत सारी बातें हुई। मिस्टर जॉन मुझे हाथ में हाथ डालकर यहाँ ले आए और सबके सामने कह दिया कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, मिस्टर एम्ब्रे ने कुछ पूछा मेरे बारे में? मुझसे तो नहीं पूछा, लेकिन पुलिस से पूछा। उसने कहा कि तुम बीमार हो, इसीलिए मुझे कॉल किया था। उसने कॉल किया था तो तुमने क्या कहा? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन अगर पूछेगा ना तो उसका जवाब उसे मिल जाएगा जैसा वो डिजर्व करता है। ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना उसको, वो यही डिजर्व करता है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। सनम, जरा यहाँ होगी एक सेकंड के लिए? ओके, आती हूँ। बोलिए मिस्टर एम्ब्रे। सना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना आज लैला नहीं आई। हाँ नहीं आई। पता चला कि वो बीमार है, क्या हुआ उसे? क्या आपको वाकई फिक्र है उसकी? ऑफ कोर्स मुझे हो रही है, मैंने कॉल किया पर जवाब नहीं दिया उसने। आपको क्या फर्क पड़ता है? सनम, रिलेशनशिप को जरा साइड में रखिए। मेरी सिस्टर ने हमेशा आपकी कंपनी के लिए एक डिवोटेड एम्प्लॉय की तरह काम किया है, और क्या आपने उसकी कभी वैल्यू की है तो आपको कोई हक नहीं है उसकी फिक्र करने का।